नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज हम चर्चा करने वाले हैं मन्यास्तंभ का मतलब होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसके साथ साथ कटीशूल, कमर में दर्द होता है जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कह सकते हैं, और उसके साथ गृध्रसी नाम की एक बीमारी है जिसका नाम है साइटिका इन द मॉडर्न मेडिसिन। ये सब की सब बीमारियां जो है इट इज रिलेटेड विद द अस्थि वह स्रोतस। ये ज्यादातर हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस जो हड्डियां रहती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उन हड्डियों में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें डीजनरेशन चेंज, मतलब वेयर एंड टेयर, ज्यादा झीज हो जाती है, तो उसके रुक्षता ज्यादा बढ़ जाने से वो हड्डियां एक के ऊपर एक घिसने लगती है, फ्रिक्शन होने लगता है, और उधर से जो नसें निकलती है उसको ऊपर प्रेशर आने से वो दर्द चालू हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये वात प्रकोप का कारण है, और वात प्रकोप जब जाकर अस्थि धातु पर अटैक करता है, संधियों पर अटैक करता है, मांस स्नायु के ऊपर अटैक करता है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम जैसी मन्यास्तंभ, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें वात दोष प्रकोपित न होने का प्रबंध आप हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए, और वात दोष प्रकोपित होने के कारण आहार में भी मिलते हैं और हमारी जीवन शैली में भी मिलते हैं। ज्यादा रूखा सूखा खाना, दूध का सेवन नहीं करना, कैल्शियम, विटामिन डी, इनका सेवन जिस पदार्थों से होता है वो पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना, हमेशा बर्गर पिज्जा फास्ट फूड लेते रहना, इससे क्या हो जाता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, हमारे वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि हमारे दिन बे दिन हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। कुछ भी एक्सरसाइजेस जिसको बोलते हैं ना जॉइंट एक्सरसाइज, वो हर एक व्यक्ति ने लेने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में, आयुर्वेद एकेडमी YouTube चैनल में एक योगा का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और जो योगा की प्लेलिस्ट है उधर मैंने जॉइंट एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं वो अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं। तो कृपा करके वो वीडियो जाकर देखिए, हो सकता है तो मैं उसकी लिंक इस मतलब कार्ड में आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगी वो लिंक, और उसके साथ आप ये एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं, और रेगुलरली करेंगे तो इसका असर ये हड्डियों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा, हमारी जो झीज होने वाली प्रक्रिया वो थोड़ी सी रोकथाम हो सकती है। उसके साथ साथ जब हम ड्राइव करते हैं, हमारी नौकरी धंधे के लिए, काम धंधे के लिए, या व्यवसाय के लिए दूर दूर पर जाना पड़ता है, कई लोग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, कई लोग चलते पैदल जाते हैं, कई लोग गाड़ी लेकर जाते हैं। फिलहाल हमारी भारतवर्ष में ज्यादातर बहुत सारे ठिकाने ऐसे हैं कि रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको क्या जाता है, ज्यादा ज्यादा हमको मतलब क्या बोलते हैं ना, बंपिंग स्ट्रोक्स बीत जाते हैं हड्डियों को, और वो आघात हो जाने पर वो हड्डियां और दुर्बल हो जाती है। बेसिकली हमारा फास्ट फूड, फास्ट लाइफस्टाइल इज इक्वल टू फास्ट डिजनरेशन, ये सूत्र बन गया हमारे जीवन का। तो वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, तो हमारी आहार में हमेशा दूध और घी का सेवन होना चाहिए, गर्मा गर्म खाना चाहिए, रूखा सूखा नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें से बचकर रहना चाहिए, एयर कंडीशन से बचकर रहना चाहिए, ज्यादा ठंड पड़ गई बाहर, बारिश के दिन है तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जो भी चीजें गर्म होती है तो वो वात दोष काबू में रखने के लिए बहुत अच्छी होती जाती है। इसके लिए बाह्यता आयुर्वेद कहता है कि तेल लगाना, तेल से मालिश करना और सेक देना, ये बढ़िया ट्रीटमेंट है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए मैं तो कहता हूं कि नाक में से जो नेजल ड्रॉप्स हम देते हैं जिसको नस्य कहते हैं, वो नस्य चिकित्सा भी बेहतरीन है। उसके साथ जो हमारी लोअर वर्टिब्रल रीजन है जिसको हम लंबैगो कहते हैं, गृध्रसी है, इसमें वात दोष की एक परम चिकित्सा बोली गई है, उसको बोलते हैं बस्ती चिकित्सा। बस्ती का मतलब होता है मेडिकेटेड एनिमा। तो यह हम तेल से या मेडिकेटेड तेल से या कुछ काढ़े से जो बस्ती देते हैं, जो रुग्णालय में आपको मिल जाएगा, उससे भी आपको जरूर फायदा मिल सकता है। नेचुरली योगा स्ट्रेचिंग पोस्चर्स करने से ट्रैक्शन लगाने की जरूरत बहुत कम पड़ सकती है। आपको रेगुलर ये ताड़ासन करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे झुककर कुछ आसन करने पड़ेंगे। योग तज्ञ आपको बताएंगे कौन सा आसन आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अभी हम पतंजलि वाले जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पतंजलि हमेशा कहते हैं कि जो काढ़े वगैरह लेना है वो हमेशा पहले घर पर आकर वो कोर्स पाउडर आपके साथ रख दो, जैसे चाय पत्ती रहती है हमारी घर में, तो उसी तरह ये काढ़े की हमारे साथ होनी चाहिए, और उससे मिलाकर फ्रेश काढ़ा बनाने से ज्यादा फायदा हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द रेडीमेड जो डिकॉक्शंस मिलते हैं उसकी आसवारिष्ट के बजाय फ्रेश काढ़ा ज्यादा फायदेमंद रहता है, ऐसे पतंजलि के प्रिस्क्रिप्शन में आपको देखा जाएगा। दिव्य दशमूल काढ़ा, ये जो दशमूल है, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी वात दोष प्रॉब्लम, एनी आर्थराइटिक प्रॉब्लम, एनी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो 200 ग्राम की आपको पाउडर मिल जाएगी। ये सब लिंक्स मैं कहाँ से मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
क्वाथ करके एक पाउडर मिल जाएगी 100 ग्राम की। तो क्या करना है आपको, दोनों में से एक चम्मच औषधियों को 400 मिली पानी में पकाना है। यू हैव टू कुक द वाटर एंड 100 मिली, 100 मिली शेष रहने पर छान कर सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। निरगुंडी तथा हरसिंगार के 3-4 पत्तों के काढ़े के साथ मिलाकर देने से उसका फायदा, ये काढ़े का फायदा और ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। जब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो सिर्फ दशमुख काढ़ा और पीड़ांतक काढ़ा, इसकी पाउडर मिलाकर आप चाय जैसा ये काढ़ा बना सकते हैं। आगे चलते धीरे धीरे, ये देखिए अगली पुड़िया बनानी है आपको, मिक्स मिक्सचर बनाना है। दिव्य एकांग वीर रस, एकांग का मतलब होता है सिंगल। जब एक्साइटिका की हम बात करते हैं तो एक ही पैर को हम मतलब ग्लूटियल रीजन से लेकर पौर तक एक पेदना जाती है, वेदना जाती है, टिंगलिंग नमनेस होता है, तो एक साइड यूनिलैटरल जो बोलते हैं ना उसके लिए एकांग वीर, वीर का मतलब है उसके ऊपर काबू पाने वाला टैबलेट, रस का मतलब होता है पराग के साथ बनाई गई है। सुवर्णमाक्षी ये ऐसी दवा है कि जिसके द्वारा हमारा जो वीकनेस है, दौर्बल्य है, एनिमिक कंडीशन है, वो चली जाती है। सुवर्णमाक्षी 5 ग्राम लेनी है। प्रवाल पिष्टी में नेचुरल कैल्शियम है, नैसर्गिक कैल्शियम की दवा है ये, सिंथेटिक कैल्शियम की टेबलेट लेने की बजाय आयुर्वेद का जो कोरल है, जो हमारी समुद्र में मिलता है, ये कोरल बहुत अच्छा दवा है। गोदंती पिष्टी ये भी वात पित्त शामक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा है, पित्त का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ये ज्यादातर कम करती है क्योंकि पित्त का शमन करती है और उसके साथ कैल्शियम भी हमें दे देती है। ये सब औषधि आपको मिलाकर 60 पुड़िया बनानी है प्रातः नाश्ते एवं रात्रि भोजन से, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और रात को डिनर के पहले आपको आधा घंटे ये जो पुड़िया आपने बनाई है वो जल के साथ भी ले, पानी के साथ ले लीजिए, नहीं तो कई लोगों को लगता है तो शहद के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट हो तो शहद के बिना पानी के साथ आप लेना अच्छा रहेगा। अत्यधिक पीड़ा जब होती है, अनबेरेबल पेन, लगातार 8 दिन चल रहा है, तो उसमें ऊपरी वाली दवा में आपको बृहत वात चिंतामणि, नाम देखिए कैसे बढ़िया है, बृहत वात और चिंतामणि। चिंतामणि तो हम गणेश जी को कहते हैं, सब दुख निवारण करने वाला, संकट मुक्ति देने वाला, ऐसी ये दवा है। इसी के लिए वात पर काबू लाने वाली बृहत वात चिंतामणि दवा जो है, ये बृहत वात चिंतामणि रस जो है, मतलब टेबलेट है, 1 से 2 ग्राम पुड़िया में मिला, इसमें मिलानी चाहिए और उसके साथ वो पुड़िया बनाना बहुत अच्छा रहेगा जब पेन ज्यादा हो तो, स्पेशली डिजनरेटिव कंडीशन में इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण जो बीमारियां होती हैं उसके लिए। इसके साथ साथ आपको और कुछ टैबलेट्स भी मंगवानी पड़ेगी, जैसे कि ये देखिए दिव्य त्रयोदशांग गुग्गुलू, गुग्गुलू इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। ये 60 ग्राम का पैकेट आप मंगवा दीजिए। पीड़ांतक वटी सेपरेट टैबलेट है, 40 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। शिलाजित रसायन है, ये भी आपकी ओबेसिटी कम करेगा, वीकनेस कम करेगा और आपको बहुत जोर से ताकत दिया दिलाएगा। ये 40 ग्राम आपको पैकेट लाना है। फिलहाल ये गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, तो त्रयोदशांग गुग्गुलू 1 गोली, पीड़ांतक वटी 1 गोली और शिलाजित रसायन 1 गोली, तो 3 गोली सुबह दोपहर भोजन के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, रात्रि भोजन के बाद, आधे घंटे के बाद सुखोष्ण गुनगुने जल के साथ ये सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, जो हड्डियों की शिकायत है, जो मसल्स की शिकायत है, लिगामेंट्स की शिकायत है, उन सब टेंडोंस की शिकायत है, आयुर्वेद कहता है स्नेहन एंड स्वेदन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, तेल लगाना और सेक देना इसको कभी भी भूलना नहीं। फिलहाल मसाज करते समय जब पीड़ा ज्यादा होती है तो जोर जोर से मसाज नहीं करनी चाहिए, जब पेन ज्यादा है तो आपको एक्सरसाइजेस भी धीमे धीमे करने चाहिए। उधर ज्यादा ऐसा जोर जोर से मसाज करना, एक्सरसाइज करने से वो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द बहुत ज्यादा है तो टोटल रेस्ट इज द मेडिसिन, आपको आराम करना है, उस सांधे को जो जॉइंट है उसको आराम देना है, इधर उधर ऐसी गर्दन नहीं घुमानी है। आप तो जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जब ज्यादा दर्द होता है तो कई कबार हम बेल्ट भी लगाते हैं, वो भी कोई गलत चीज नहीं है। सर्वाइकल जो बेल्ट मिलता है वो एक 5-7 दिन सिर्फ लगाना है, हमेशा लगाते रहेंगे तो ये अखड़ जाएगा। उसके साथ साथ लंबर पर भी वो लंबर बेल्ट मिल जाता है, लंबर के लिए, लंबैगो के लिए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए, वो भी एक थोड़ा बहुत दिन तक आप लगा सकते हैं, उसको जरा रेस्ट मिल जाएगी जॉइंट्स को। अधिक पीड़ा होने पर विष तिंदुक वटी नाम की एक टैबलेट है, वटी का मतलब टैबलेट, एक एक गोली प्रायः सायं को सेवन करने से अधिक लाभ मिल जाएगा। स्नेहन
उसके साथ मैं बोल रहा हूँ स्नेहन करने के लिए, ये दवा आपके सामने है, पीड़ांतक तेल, ये जो है ना, ये पीड़ा युक्त स्थान पर आपको हल्के हाथ से मालिश करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने तीन जो बीमारियां हैं उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन का चर्चा की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यही का कटी शूल लंबर पेन हो रहता है, तथा गृध्रसी मतलब साइटिका की जो है, उन सब के लिए ये जो मैंने दवा बता दी वो आपको पतंजलि की बिल्कुल मिल जाएगी और उससे बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था फिलहाल डिस्क्लेमर नाते से, हमेशा मैं कहता हूं जब भी मैं आपको कुछ दवा पानी की बताऊंगा तो आपको एक बात बताऊंगा, यथावश्यक यथाकाल, यथा आवश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरत है। आप पतंजलि डॉक्टर के पास जा सकते हैं, नहीं तो हमारी आयुर्वेद एकेडमी भी 9226810630 ये नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी अब सेवा के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए हम हाजिर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून।